पांचवें नंबर पे आता है वो है जियोनिक्स का GSX61 मदरबोर्ड। इसके अंदर जितने भी जो भी पोर्ट्स होते हैं बाकी मदरबोर्ड्स के अंदर, जैसे कि HDMI, USB 2.0, LAN पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, M.2 का स्लॉट जिसमें आप SSD लगा सकते हैं, NVMe M.2 वाली, वो भी आपको इसके अंदर मिलता है। यहाँ पर जो दूसरा जो इसमें बेनिफिट आपको मिलता है वो DDR3 का होने वाला है। इसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जाती है वो 1600 MHz तक की, आप मैक्सिमम रैम की जो फ्रिक्वेंसी वाली DDR3 रैम है वो आप सपोर्ट करा सकते हैं। पर इसमें जो मैक्सिमम स्टोरेज आपको DDR3 का मिलता है वो 16 GB तक का होगा। इसमें जो सपोर्ट मिलता है आपको LGA का 1155 सॉकेट का होगा, जिसमें इंटेल के आप थर्ड जनरेशन के i3 i5 i7 CPU आप इजीली इसमें लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है इसकी वारंटी। इसमें जो वारंटी है वो भी आपको अच्छी मिल जाती है, जिसमें आप नियर बाई सर्विस सेंटर पर जाके इसमें सर्विस ले सकते हैं। तो ये तो है हमारे पांचवें नंबर का जियोनिक्स GSX61 मदरबोर्ड, जिसमें आपके जो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी के प्रोडक्ट का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जहां से प्राइस आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं अपने सेकंड मदरबोर्ड यानी कि फोर्थ मदरबोर्ड की तरफ, जो कि होने वाला फ्रंटेक कंपनी की तरफ से, और ये S61 का LGA 155 सॉकेट वाला बेस्ट मदरबोर्ड है। ये भी आपका जो पिछला मदरबोर्ड है बिल्कुल वैसे ही, इसमें सेम IO पोर्ट्स भी होंगे, बाकी सेम फैसिलिटीज़ होगी। इसके अंदर भी आपको जो LGA का 1155 का सॉकेट आपको CPU का देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप इंटेल के थर्ड जनरेशन के i3, i5, i7 जैसे प्रोसेसर को आप इजीली इसमें इंस्टॉल करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बात करें अगर रैम की, तो रैम भी इसमें जो मैक्सिमम सपोर्ट आपको मिलता है वो 1600 MHz का, और प्लस आपको 16 GB तक का मैक्सिमम सपोर्ट इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी स्पेसिफिकेशंस की अगर इसमें बात करी जाए, तो इसमें बिल्कुल आपको बाकी मदरबोर्ड की तरह ही सारे पोर्ट इसमें मिल जाते हैं। अगर आप HDMI से यूज़ करना चाहते हैं तो HDMI का पोर्ट भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। बाकी VGA, ऑडियो, USB और बाकी जो बोर्ड्स होते हैं जैसे PCIe स्लॉट्स हो गया, इसमें भी आपको देखने के लिए इजीली मिल जाता है। इसमें आपको जो अलग से बेनिफिट मिलता है वो ये भी है कि इसके अंदर आपको M.2 SSD का NVMe का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। बाकी जितने इसमें पोर्ट्स होते हैं बाकी सभी मदरबोर्ड्स, तो सारी इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। बात करें इसमें लैन पोर्ट की, तो लैन पोर्ट इसमें बाकी मदरबोर्ड की तरह 10 Mbps से लेकर 100 Mbps मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा फोर्थ पे फ्रंटेक का S61 मदरबोर्ड। दोस्तों अब हमारे पास जो नेक्स्ट मदरबोर्ड हमने सेलेक्ट किया है, जो कि होने वाला है हमारा थर्ड नंबर पे, ये मदरबोर्ड हमने सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड से भी देखने के लिए हमें मिलता है, वो है कंसिस्टेंट। दोस्तों इस ब्रांड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ही समय के अंदर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसने बहुत सारे अपने लेटेस्ट इसने प्रोडक्ट अपने लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि NVMe SSD जो कि कम प्राइस में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गई, मदरबोर्ड हो गए, रैम हो गए, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इस कंपनी की तरफ से देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हमने इस कंपनी के मदरबोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हमने जो मदरबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो CMB S61 मदरबोर्ड होने वाला है, और इसमें आपको 3 साल की वारंटी भी देखने के लिए मिलती है। तो ब्रांड अच्छा है। अब चलिए देख लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में और देख लेते हैं इसमें क्या बेनिफिट हमें मिलता है। दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है ये LGA 1155 सॉकेट के साथ हमें देखने के लिए मिलता है, तो इसमें भी आप इजीली i3 i5 i7 थर्ड जनरेशन के इंटेल के CPU इजीली आप इसमें लगा सकते हैं और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो हमें रैम का स्लॉट देखने के लिए मिलता है वो DDR3 का होने वाला है, और इसमें भी जो मैक्सिमम आपको जो इसकी फ्रिक्वेंसी आपको देखने के लिए मिलती है वो 1600 MHz मैक्सिमम इसमें देखने के लिए मिलेगी। इससे ज़्यादा आप DDR3 की रैम इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। बात करें इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होने वाली है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें दोस्तों तो इसमें आप 16 GB की रैम आप मैक्सिमम इसमें लगा सकते हैं, इससे ऊपर आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। बात करें अगर इसके IO पोर्ट्स की, तो IO पोर्ट्स इसमें बाकी की तरह आपको सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें ऑडियो पोर्ट मिलेगा आपको, RJ45 का यानी LAN कनेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाते हैं, VGA कनेक्टर मिलता है आपको, HDMI पोर्ट मिल जाता है आपको। इसमें सारे पोर्ट्स जो भी बाकी मदरबोर्ड्स के अंदर होते हैं तो वो सारे मदरबोर्ड्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इसके अंदर आपको जो LAN का जो ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि जब आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली इस मदरबोर्ड के साथ, तो इसमें आपको जो स्पीड मिलेगी वो 10 से लेकर 100 Mbps की LAN की स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इससे ज़्यादा कि आप अगर स्पीड चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए अलग से कार्ड या फिर आपको वाईफाई अडेप्टर आपको इसमें यूज़ करना होगा। USB 2.0 की अगर बात करें तो मैक्सिमम ये 480 Mbps की स्पीड से आप इसमें डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। USB 3.0 का इसमें कोई सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो बात करें अगर इसमें SSD के बारे में, तो यस इसके अंदर भी आपको SSD का स्लॉट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप NVMe M.2 कनेक्टर की आप जो SSD आती है वो आप
इसमें करेक्ट कर सकते हैं। बात करें इसमें जो साटा के पोर्ट्स हैं वो तीन आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर जो इसके अंदर जो बेस्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो जैपनीज आपको कैपेसिटर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो ज़्यादातर गीगाबाइट और हैवी जो मदरबोर्ड्स होते हैं उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको अच्छा इसमें ऑप्शन मिल जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर कर दिया, जहां से आप परचेज कर सकते हैं, लेटेस्ट प्राइस जान सकते हैं। अभी जो इसका प्राइस है वो 1790 रुपये का है, मे बी हो सकता है इससे कम में भी आपको मिले। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मदरबोर्ड की तरफ, जो कि होने वाला है फोर्थ मदरबोर्ड। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड मदरबोर्ड की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमें सेलेक्ट किया है ऑलवेज सबसे ज्यादा यूज होने वाला ज़ेब्रोनिक का S61 M.2 वाला मदरबोर्ड, जिसके अंदर हमें M.2 NVMe SSD का सपोर्ट मिल जाता है। पहले बात करते हैं इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है। दोस्तों ये LGA1155 सॉकेट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप इंटेल के थर्ड जनरेशन के i3 i5 i7 इन तीनों में से कोई भी CPU आप इसमें इंसर्ट करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको PCIe स्लॉट, HDMI स्लॉट, VGA, USB, LAN ये सारे पोर्ट्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें भी आपको जो रैम का सपोर्ट मिलता है वो 1600 MHz मैक्सिमम आपको मिलता है, और इसमें DDR3 की आप 16GB तक की मैक्सिमम स्टोरेज आप रैम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। बात करें अगर इसके लैन की पोर्ट की, तो ये भी आपको 10 से लेकर 100 Mbps की कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। अगर 100 Mbps से ऊपर आप कोई प्लान यूज़ करते हैं तो वो इसमें आपका कोई बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो ये है ज़ेब्रोनिक की तरफ से S61 M.2 मदरबोर्ड। चलते हैं अपने नंबर वन की तरफ, जो कि बिल्कुल बेहतरीन होने वाला है, जिसके बारे में आपको क्या बताऊं, जो ब्रांड भी होगा, वैल्यू फॉर मनी भी होगा और फैसिलिटी भी आपको पूरी देगा। तो देख लेते हैं नंबर वन पे मदरबोर्ड कौन सा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है नंबर वन पे जो मदरबोर्ड होने वाला है वो एंट वैल्यू की तरफ से होने वाला है, जो कि एकदम फेमस ब्रांड है, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। आप इसकी रैम ले सकते हैं, आप इसके SSD परचेज कर सकते हैं, आप इसके पावर सप्लाई परचेज कर सकते हैं। आपने इसकी बहुत ज़्यादा गेमिंग की आपने गैजेट्स देखे होंगे, वो बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो एंट वैल्यू की तरफ से सामने आते हैं। तो यहाँ पर हमने एंट वैल्यू का S61 MAD3N गेमिंग मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है। ये भी LGA1155 सॉकेट के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जिसमें आप इंटेल के थर्ड जनरेशन के i3 i5 i7 जैसे CPU को ईजिली इसमें इंस्टॉल करके आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अंदर जो आपको मैक्सिमम DDR3 का जो सपोर्ट मिलता है वो 32GB तक इसमें बताया गया है। प्लस इसमें भी जो आपको DDR3 का जो फ्रीक्वेंसी का रैम सपोर्ट आपको मिलता है वो 1600 MHz का होगा, और इसमें आपको M.2 की NVMe सपोर्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें जो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके अंदर मैंने नंबर वन पर रखने का जो मेन रीज़न है वो इसमें जैपनीज टेक्नोलॉजी के जो कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं, वो जैपनीज टेक्नोलॉजी के जो कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं वो गीगाबाइट के अंदर यूज़ होते हैं, और बाकी जो टॉप ब्रांड्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। एंड स्पोर्ट्स ने भी इसके अंदर बहुत सारे जो कैपेसिटर्स हैं, बहुत सारे और भी जो इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए वो जैपनीज टेक्नोलॉजी के हैं, जो कि एक बहुत ही हाई अपग्रेड चीज़ें होती हैं जब आप मदरबोर्ड सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जितने पोर्ट्स होते हैं बाकी मदरबोर्ड की तरह आपको सारे सेम टू सेम मिलते हैं। HDMI पोर्ट हो गया, VGA पोर्ट हो गया, USB 2.0 हो गया, और बाकी इसमें लैन का जो पोर्ट है वो सेम मिलेगा जैसे बाकी का था, मैक्सिमम 100 Mbps का। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो नेट की कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा हाई स्पीड वाली है, तो उसके लिए आप अलग से कार्ड ले सकते हैं या वाईफाई USB अडेप्टर ले सकते हैं, जो कि 5 GHz को सपोर्ट करें, उसमें आप ज़्यादा आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं। ये तो है दोस्तों टॉप 5 थर्ड जनरेशन के मदरबोर्ड, जिनमें मैंने आपको बताया इन सभी के बारे में। इनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एंट स्पोर्ट्स और ज़ेब्रोनिक की तरफ बिल्कुल जाएं। वैल्यू फॉर मनी है, प्राइस भी कम है, परफॉर्मेंस तकड़ी है, इन फ्यूचर भी अपग्रेड करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहेगा। टेक केयर एंड बाय।